ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को दर्शकों से बेहद ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी क्रेज देखने को मिल रहा था और फिल्म रिलीज के बाद ये क्रेज और भी बढ़ गया है। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि वॉर पहले दिन 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, ये फिल्म 2019 में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। जहां एक तरफ ऋतिक और टाइगर की वॉर ने भारत में कई फिल्म को धूल चटा दी है, वहीं ये भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई है। मिडवेक रिलीज के बावजूद ये ऑस्ट्रेलिया में 2019 की हाईएस्ट ओपनर हिंदी फिल्म बन गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरन ने ट्वीट कर लिखा, War storms Australia despite midweek release has emerged highest opening in Hindi film 2019. In Australia, Wednesday $1,30,682 surpasses Gully Boy, Bharat and Kalank. War is also Ritik's biggest opener in Australia, surpassing his films by a big margin. तो देखा आपने, वॉर ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई रणबीर सिंह की गली बॉय, वरुण धवन की कलंक और सलमान की भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉर ने देश के साथ साथ विदेश में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आपको बता दें कि फिल्म को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स की तरफ से भी बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म को 200 करोड़ के बजट से बनाया गया है। साथ ही इस फिल्म को दुनिया भर के 5,350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म को मिले रिस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला इतनी जल्दी नहीं थमने वाला। फिल्म में ऋतिक और टाइगर की जोड़ी तो गजब की लगी ही है, वहीं फिल्म में वाणी कपूर ने भी अपनी हॉट अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाले दिनों में और कौन से बड़े इतिहास रचेगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। were making the film. It was just about ke yaar agla shot we have to give our best. Aur I think picture khatam hone ke baad fir kahin na kahin thodi si ummeed aani shuru hui. Aur us ummeed se badhke it became a little bit feeling of happiness, celebration and now we are here. So it's all good. टाइगर रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं लोग दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है और खासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो सच अ बिग ओपनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे हम लोग, बस हर शॉट मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने और उनको सही से मतलब क्यूज रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक टाइगर सिद्धार्थ एंड वाणी, see therefore yesterday I saw the film, the moment I was into the screening started here as such, to war film dekh raha tha, then I was at war with myself ke whom to watch, Ritik or Tiger. Aapke jo that motorbike sequences and especially those sequences in that in the car at the Arctic Ocean wherever you shot that film, it was mind boggling. Aur ye mere mujhe lagta hai ki sabhi audience ke sath mein ye silsila rehne wala hai. To how was the experience working neck to neck with each other with such talent of each of you here as such? Well, it was great. Yeah, I think without, if you don't enjoy what you're doing, it is impossible to get the results that you're talking about. So mere liye it has been, log kehte hain ki you know student mentor on set ulta tha, main seekh raha tha kyunki I was constantly watching the discipline that he has, the process that he applies, the honesty, the integrity and no egos. Aur kaun seekh raha tha, kaun sikha raha tha, kisi ko nahi pata. Kaun teacher tha, kaun student tha, kisi ko nahi pata. Tiger, about you? I think mere liye jab bhi hum action karte the,
यू नो वी टू ऑलवेज टेल ईच अदर कि यार सर यू नो वे हम दोनों डांस पार्टनर्स जैसे हैं, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल एंड वी टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स. सो इट वॉज लाइक वी आर बेसिकली डूइंग लाइक अ पार्टनर डांस. तो आई थिंक सिद्धार्थ सर भी अग्री करेंगे कि हम लोग मुश्किल से दो दो टेक्स में खत्म करते थे. सिद्धार्थ, हाउ वाज इट एक्सपीरियंसिंग दिस टू जायंट्स इन फ्रंट ऑफ यू? हाउ वाज द एक्सपीरियंस एज फार एज यू आर कंसर्न डायरेक्टिंग? आई थिंक मेरे लिए आई थिंक दे वर जस्ट खालिद एंड कबीर. आई थिंक अगर ये आई वुड लुक एट देम एज ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, इट वुड बी ओवरवेलमिंग. बट एज अ डायरेक्टर यू हैव टू लुक एट देम एज योर कैरेक्टर्स. आई थिंक दैट वॉज की दैट यू डोंट गेट ओवरऑड. सिद्धार्थ, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. यहाँ जैसे कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैं बहुत जिद्दी हूँ और कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूरा अपने गाने के लिए खाली करवा देता हूँ. तो इस फिल्म में क्या जिद्दीपना आपका दिखाई दिया और क्या ये इन लोगों ने उस जिद्दीपन का साथ दिया सभी ने? आई थिंक जिद्दी से मैं पागलपन पे उतर आया. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड देम ऑल थ्री ऑफ देम इन फैक्ट फॉर दिस फिल्म, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. और फिर एक्शन को एक नॉच हायर ले जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, कार चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, यहाँ पर आपने प्लेन चेज देखा है. और अगर कार चेज देखा है उसको आर्कटिक में देखा है, आइस पर देखा है. बाइक चेज एट द हाइस्ट पॉइंट इन पोर्चुगल और हाई स्पीड बाइक चेज ऑन अ माउंटेन, दैट्स वाई आई थिंक वो रिएक्शन मिलता है थिएटर में. आई थिंक एवरीबडीज ऑन द एज ऑफ द सीट बिकॉज द कर्व्स आर सो डेंजरस, वेरी रिस्की. तो आइडिया था वेदर इट्स इवन टाइगर्स वन शॉट एक्शन इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वॉज टू पुश देम, पुश द टीम, पुश द प्रोडक्शन, पुश द लोकल लाइन प्रोडक्शन कि मुझे ये चाहिए और ये करना है. आई थिंक तभी जाके आई थिंक ऐसा एक स्पेक्टिकल बन पाया है जिद से. रितिक, हाय. वानी एक आपसे भी सवाल था कि कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा हो फिल्म के दौरान, जिसे आप याद करती हो अभी? आई थिंक द इंटायर पूरा टाइम जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने काम किया इस फिल्म में, मुझे लगता है एवरी सीन, एवरी बिहाइंड द सीन, यू नो द वी शॉट और एवरी सिंगल डे फॉर मी काउंट्स. क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी आई थिंक एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. सिद्धार्थ इन शॉर्ट कि यू नो ही प्रेजेंट्स मी इन अ वे जो जैसे मैं पहले नहीं प्रेजेंट हुई. एंड द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग विद रितिक, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. ही इज सुपर काइंड एंड ही इज सुपर सुपर स्वीट, यू नो हाउ ही इज. रितिक, रितिक, हाय रितिक. Hi Ritik, this is Ravi from ABP News. Okay, yes, okay. Please, thanks. Ritik, hi. Yes, hi. You have done quite a few action entertainers in the past. Really? Where, yeah. Hardly get to do. Main itni koshish mein rehta hun. This is my favorite kind of film. Milte hi nahi hai mujhe. Of course, you are very... Sun rahe ho? Hello? But of course, you are a very versatile actor. I mean, besides action entertainers. But if you look at war, I mean, you think the portrayal by far has been the best of yours in an action film, and the bar is really raised now. Okay, without taking credit to myself for this, because I give that to my director always, whether I'm good or bad. So the credit of this goes to Sid, but I do agree with you. I feel that what Sid has been able to do and bring out of me through Kabir has been definitely one of my most aspirational, the most satisfying experiences of my life. That's for sure. Yes. That's true. Thank you. Yes, sir. You had a question? Hi, Ritik. This is Ravi from ABP News. Ritik, back to back, आपकी दो फिल्में सुपर हिट हुई हैं. आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में. कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही है पिछले कई सालों से. अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा? आप ज़्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज़्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक तीन महीने में दो फिल्में आ गई. अब मैं क्या बोलूँ? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी decisions in my life. I am feeling very encouraged, very motivated.
So I think I will choose even better films, even better. Lekin usme how much time it takes and all, that is not really in my hands. But I promise my best work is yet to come. Whoa!